तो गाइस आ चुका है नेक्स्ट पार्ट, हम लोग का पार्ट 5 है जिसमें एकोमोडेशन इन बेल्जियम की बात करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेल्जियम की जो एथनिक कॉम्पोजिशन को स्टडी किए थे उसको रिकॉल करो, थोड़ा सा रिकॉल करो, क्योंकि उसको रिकॉल करोगे तो ये कंप्लीट होगा। उसमें क्या था, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, थोड़ा सा बस 10 से 15 सेकेंड लेंगे उसको एक बार रिकॉल कर लेने में। क्या था वहाँ का, वहाँ दो रीजन में बटे हुए थे। दो रीजन क्या था, एक फ्लेमिश एक वेलोनिया। फ्लेमिश रीजन में क्या था, 59% डच बोलने वाले स्पीकर थे। बस सुनना अच्छे से सुनो, तुमको माइंड में अपने आप रिकॉल होते रहेगा। ओके, 59% डच बोलते थे एंड 40% क्या था तुम्हारा, वो थे फ्रेंच स्पीकिंग। ये दो रीजन का था बात। अब बात करते हैं, अगर बात करें हम कैपिटल ब्रुसेल्स की, तो वहाँ क्या था, उल्टा था। 80% जो थे वो क्या थे, फ्रेंच, और 20% क्या थे, वो 20% आपके थे डच। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो ये था वहाँ का कैपिटल का स्टोरी। तो अगर कैपिटल को देखें तो वहाँ क्या था तुम्हारा, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी था वो मेजोरिटी में था। ओके, तो यहाँ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था कि ये क्या होता है, टेंशन स्टार्ट हो गया था। जो फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटी था उसके बीच में थोड़ा सा टेंशन स्टार्ट होने लगा था। टेंशन कह सकते हो इसलिए क्योंकि अगर उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन फेस हो रहे थे, वो फेस कर रहे थे, तो उसके लिए बेल्जियम ने क्या किया वो हम यहाँ पढ़ेंगे कि एकोमोडेशन। देखो सबसे पहले एकोमोडेशन समझो, एकोमोडेशन मतलब होता है समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ करना, सिंपली समझो तो कॉम्प्रोमाइज़ करना, समझौता एक तरह से। तो यहाँ तुम्हारे माइंड में बैठने चाहिए कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम सेंस क्या तुमको दे रहा है, सेंस ये दे रहा है कि बेल्जियम में जो क्या था वहाँ एकोमोडेशन हुआ था, यानी बेल्जियम ने वहाँ समझौता किया था, यानी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। कैसे, तो यहाँ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले पॉइंट देखो क्या मैंने लिखा है यहाँ, बिटवीन 1970 एंड 1993 में अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। ये तुमको माइंड में याद रखना, एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, माइंड में हमेशा रिकॉल रखना। 1970 एंड 1993 में क्या हुआ था, जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था, बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन, उसको 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया गया था, 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया गया था। ये माइंड में क्लियर रखोगे, ठीक है। और आते हैं सेकेंड, सेकेंड क्या था, मैंने यहाँ टॉपिक दिया एलिमेंट ऑफ द बेल्जियम मॉडल, जो बेल्जियम है उसके मॉडल क्या क्या। ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा इस चैप्टर से, जो इस टॉपिक है सॉरी, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तुम्हारे 5 या 4 नंबर के, जो एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल यानी एकोमोडेशन। यही 4 पॉइंट हुआ था तुम्हारे, या तीन तीन पॉइंट है तुम्हारे, 3 पॉइंट ही हुआ था बेल्जियम में तुम्हारा एकोमोडेशन। ओके, तो उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं। पहला पॉइंट हो क्या, पहला पॉइंट बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शॉल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी देखो बेल्जियम में क्या हुआ था, सबसे पहले अगर देखो, अगर हम मैं बता रहा हूँ, एक सिंपली फंडा बता रहा हूँ तुमको, अगर तुमको किसी भी कंट्री के डिस्प्यूट्स को कम करने हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन उठाओ, चेंजेस करने तो कॉन्स्टिट्यूशन में करो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक बेस है, वहाँ से तुम्हारा जो चेंजेस होंगे वो परमानेंटली होंगे। ओके, तो देखो बेल्जियम में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि जो डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर है वो इक्वल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे वो इक्वल होंगे, इक्वल मतलब बराबर होंगे। पहला पॉइंट क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। यानी सिंपल सा अगर समझो तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसने कुछ अपने पावर्स को गिव अप कर दिया था, जो दो रीजन्स थे उसमें, यानी फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन्स को, यानी कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेयर किए, सिंपली समझो। सेकेंड पॉइंट ये है। और थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड ऑफ गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक गवर्नमेंट था। क्या था वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट था तुम्हारा। और कम्युनिटी गवर्नमेंट होता क्या है, थोड़ा सा मैंने यहाँ इसका लिखा है, ये क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इट इज इलेक्टेड बाई पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच फ्रेंच एंड जर्मनी, जर्मन स्पीकिंग। यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट यानी जो जो कम्युनिटी थे वो क्या करते थे, वो पीपुल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते थे। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट का सवाल क्यों आया, अगर बात करें हम ब्रुसेल्स की बात करें तो ब्रुसेल्स एक पूरी तरह से क्या था वहाँ, 80% जो थे तुम्हारे वो फ्रेंच आ जा रहे थे, यानी कम्युनिटी के तो तुम्हारी बात आ रही है बेल्जियम में। तो इसके अलावा इंट्रोड्यूस किया गया तुम्हारे ब्रुसेल्स में कम्युनिटी गवर्नमेंट को, कम्युनिटी गवर्नमेंट पे। ओके, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट नथिंग, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, इसमें पीपुल क्या करते हैं अपने ही एक तरह से कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसको पीपुल को इलेक्ट करते हैं, उसी को कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। और इसके पास देखो कम्युनिटी गवर्नमेंट पावर क्या क्या है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर रिगार्डिंग कल्चरल को लेकर है, एजुकेशनल को लेकर, लैंग्वेज रिलेटेड इशू को लेकर। यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट तीन ही चीज़ पे काम कर सकती है, एक तो कल्चरल को लेकर, सेकंड एजुकेशनल, एंड थर्ड इज लैंग्वेज रिलेटेड कोई भी इशू मैटर पे ये काम करती है,
सिंपली। तो ये तुम्हारे 3 पॉइंट्स थे एलिमेंट, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, पूछता है। लास्ट टाइम रिकॉल कर रहा हूँ, एकदम क्विक रिकॉल करते हैं क्विक। क्या था 1970 और 1993 में 4 टाइम्स अमेंडमेंट हुआ था बेल्जियम में, याद रखना माइंड में। ओके, एलिमेंट क्या क्या था तुम्हारे, एलिमेंट 3 थे। एलिमेंट इसमें यह था कि पहला क्या किया था, आंख क्लोज करना, आईज क्लोज कर लो थोड़ा देर के लिए, और थोड़ा सा रिकॉल करो आराम से। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर है एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे कहाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके, पहला क्लियर। सेकंड क्या था, सेकंड सिंपल समझो, सेकंड तो बोल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कुछ पावर क्या किए हैं, दो रीजन को शेयर कर दिए हैं। ओके क्लियर। थर्ड क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक थर्ड गवर्नमेंट था, वो क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, तो जो ये क्या होता है, इट इज इलेक्टेड बाय पीपुल, ये पीपुल के थ्रू इलेक्ट होता है। जो पीपुल या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो अपने क्या करते हैं, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो अपने कम्युनिटी को इलेक्ट कर सकते हैं वहाँ। ओके, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट होता है, यानी कम्युनिटी के थ्रू इलेक्ट होता है। ऑफ कोर्स अपने माइंड में यहाँ क्लियर रखना, इसके पास किस पा मतलब पावर क्या क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या कर सकता है, तो पावर रिगार्डिंग है कल्चरल को लेकर, एजुकेशनल को लेकर एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू को लेकर। ओके, तो ये आपके थे एकोमोडेशन इन बेल्जियम की बात हो गई, और कुछ नहीं है, इतना ही है आपको, इतना ही पढ़ना है, बहुत ही क्विक मैंने पढ़ा दिया है आपको, और इसको एक बार लिख लेना अच्छे से, और लिख कर कर लेना, बहुत ही इजी था, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और मैंने यहाँ कुछ लिखा भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई भी क्वायरी हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, अपने स्कूल का नाम डालो, अपना नाम डालो और मुझे दो, मैं 24 आवर्स में आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई ऑफ कोर्स करूँगा। ओके, तो इतना ही आपको, और अच्छे से इसको एक बार रिकॉल कर लेना, लिख लेना, और कुछ नहीं है, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग, जल्दी ही मिलेंगे, अब तो रेगुलर अपडेट्स आ रही हैं, और खासकर जो 9th वाले स्टूडेंट है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, 9th का भी मैं अपडेट दूंगा जल्दी, उनका भी कुछ वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। ओके, बस धीरज रखें, बस धीरज रखें, कुछ नहीं होगा, मैं अपडेट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बस इसको रिकॉल करना अच्छे से, बाय। ओके, फिर मिलेंगे।